ज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग प्रिलिम के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं जो कि करंट अफेयर से जो है डिराइव किए होते हैं एंड वही टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि हमें लगता है कि प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर योर यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जामिनेशन इट हैज मोर देन ट्वेंटी थ्री ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड हैज गिवन आउट मोर देन ट्वेंटी रहते हैं मॉड्यूल है एक तरह से कह सकते हैं उसको तो वो डन हो जाता है एंड इट इज बोथ अवेलेबल इन बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट प्लस यू गेट अ डेज फ्री ट्रायल सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन प्लीज चेक इट आउट लिंक विच इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन मूविंग ऑन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज देर इज दिसमिकल विच हैज बिन देर इज केमिकल विच हैल क्या वो करता है कहाँ काम आता था और क्यों उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है बिकॉज ये टॉपिक कुछ, कुछ उस टाइप का ही है इससे uh, कह सकते हैं कि उस टाइप की महक आ रही है कि इसमें प्रीलिम्स पे कुछ पूछा जा सकता है अगेन एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फार्मर वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है के जो पॉपुलेशन है इट इज मोस्टली दे आर इन प्राइमरी सेक्टर में वहां पे एंगेज हैं और एक डेमोक्रेसी है और ज्यादा लोग यहाँ पे हैं तो इस टाइप के टॉपिक्स क्योंकि अल्टीमेटली आपने जब सिविल सर्वेंट बनना है तो आपने यही सब चीजें सर्व करनी है सो फॉर दैट मैटर दिस द टॉपिक बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इट द केमिकल विच हैज बिन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग टू बी यूज दैट इज ग्लाइफोसेट है ना uh, अगर कोई थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से है एग्रीकल्चर आपने देखी होंगी इस टाइप के ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको देखेंगे अलग अलग नाम से आता है बट अल्टीमेटली यूज हर बी साइड साइटिंग एनिमल्स तो ये उनका रीजन था एनिमल्स well तो इसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन का देर आर सर्टेन uh,

यूज नहीं कर सकता है लीगली द न्यू नोटिफिकेशन मैंडेट्स दैट ऑल दल्डर्स ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड फॉर ग्लाइफोसेट एंड इट्स विल हैव टू रिटर्न द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रेशन कमिटी तो जब हम प्रोडक्ट ही बंद कर रहे हैं कि यार ये यूज नहीं होना अब क्यों इसको हम बंद कर रहे हैं वो देखते हैं पहले ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट इज अ

तो so, यहाँ पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे तो इफ़ यू विश टू कवर दी सच टॉपिकली और करंट अफेयर्स का काम आप पूरा डन करना चाहते हो तो अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं आपको सेवन डेज का फ्री ट्रायल है तो एट लीस्ट जो है एक दिन सेवन डेज फ्री ट्रायल एक बार देखो सही क्या चल रहा है दुनिया में ग्लाइफोसेट यूजेज इन इंडिया इन इंडिया ग्लाइफोसेट हैज अप्रूव्ड फॉर यूज ओनली इन ट्री प्लांटेशन ओनली इन ट्री प्लांटेशन ओनली ऐसा वर्ड आ गया तो इसका मतलब प्रीलिंग हो गया ओनली इन दी ट्री प्लांटेशन एंड नॉन प्लांटेशन एरिया ठीक है ये था सीना इसका जो चल रहा था बट ग्लाइफोसिट कंजन डाटा शोज अ डिफरेंट पिक्चर क्या पिक्चर है जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि, कि हो रहा है कंजम्शन इज हायर इन स्टेट दैट डू नॉट

हेल्थ इंपैक्ट क्या है ग्लाइफोसेट का कि हेल्थ इंपैक्ट ऑफ ग्लाइफोसेट रेंज फ्रॉम कैंसर रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी टू न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड इम्यूनोटॉक्सिसिटी तो ये बहुत टॉक्सिक केमिकल है राइट right? तो हेल्थ इम्पैक्ट भी इसके खराब हैं और अगर हम इसको वैसे इतना अंधा यूज करेंगे इस हर भी साइड को तो इट्स अ हार्मफुल थिंग टू डू इट्स अगेंस्ट द नेचर अगेंस्ट द लॉज ऑफ इकोलॉजी तो वो थोड़ा सा गुड मूव है इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से

प्लस टू और माइनस पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट माइनस पॉइंट सिक्स सिक्स में जो अंतर है ना तो ये वो ऐसे ऐसे सवाल है ये सो माय नेम इज रोहित गर्चा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इज अभिमन्यू आईएएस